नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। से बता दें कि जो कि भाजपा पार्टी से हैं और सांसद सारण से राजीव प्रताप रूड़ी, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया बिहार सरकार को लेकर। से हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार कांग्रेस के, इनसे बात करते हैं। राजेश जी, ये बताएं कि राजीव प्रताप रूड़ी जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया बिहार सरकार पर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, क्या लगता है, क्या चल रहा है एनडीए में? सबसे पहले बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जेडीयू पे, जेडीयू आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। दोनों बिहार में सरकार में हैं और तब नीतीश कुमार जी और जेडीयू विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं, और किससे करते हैं यही समझ में नहीं आता है। और अगर नहीं मिलता है तो हट क्यों नहीं जाते हैं? वहीं आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी को लगता है कि जल जीवन हरियाली में, नल जल योजना में अगर बिहार सरकार ने घोटाला किया है तो ऐसे घोटालेबाज सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी है क्यों? मुझे लगता है कि घोटाला में भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब स्वयं मुजफ्फरपुर के सभा में 55 घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को बताए थे तो FIR क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं उसकी जाँच होती है? चूँकि देहात में कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो दोनों घोटालेबाज में बड़े हिस्सेदार हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा के एक दूसरे को डराकर माल खाना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश सरकार घोटालेबाज है तो कर दे बर्खास्त, क्यों नहीं करता? इसलिए कि उस घोटाले में भाजपा भी एक बड़ा सहयोगी है। भाजपा के सहयोगी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जो भाजपा के विधायक हैं, तमाम जो विधायक हैं, बिहार सरकार के मंत्री भी हैं कुछ, वो जो है सपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री के नल जल योजना को या फिर साथ ही योजना को सपोर्ट करते हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं, लेकिन वही जो भाजपा के सांसद वो इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो क्या लगता है कि विधायकों और सांसदों के बीच में कुछ खाई बन गई क्या? नहीं, ये दोनों आदमी एक दूसरे पे आरोप लगा के एक दूसरे को डरा के या सरकारी संपत्ति के सरकारी योजना को आधार में रख के इसको बर्बाद करना चाहते हैं। भाजपा तो सरकार में है तो कैबिनेट में इस सवाल को क्यों नहीं उठाता, सदन में इस सवाल को क्यों नहीं उठाता? अगर मुख्यमंत्री उनकी बात मानने से तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री अगर घोटाला कर ही रहे हैं, उनका योजना ठीक से धरातल पर नहीं आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेता? क्योंकि उनके कुर्सी प्यारा है या बिहार? अगर बिहार प्यारा है और नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं तो समर्थन वापस ले, अन्यथा कुर्सी के लिए जैसे हैं उसे बने रहे और आरोप प्रत्यारोप लगा के जनता को नहीं ठग सकते। चूँकि 16 सालों में भाजपा और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर बिहार को ठगा है। महागठबंधन पे आते हैं, महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या राजद, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कह रहा है MLC चुनाव में, लेकिन कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, नहीं आपका हुआ है ना ही राजद का हुआ है, तो NDA में आखिर बड़ा कौन है, राजद है या फिर कांग्रेस है, क्योंकि खटपट देखने को मिल रही है अभी भी। देखिए, अभी महागठबंधन का स्वरूप बेहतर बिहार में नहीं, इसे हम इनकार नहीं करते। महागठबंधन था, वो महागठबंधन 2020 के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें महागठबंधन नहीं रहा, RJD और कांग्रेस दोनों अलग लड़ी, तो जो अब चुनाव होगा उसमें अगर हम लोग साथ लड़ेंगे तो महागठबंधन का स्वरूप होगा। अब तक ये तय नहीं है कि हम साथ लड़ेंगे कि अलग लड़ेंगे, लेकिन अलग लड़ने का दुष्परिणाम हम दोनों ने झेला है, RJD को भी दुष्परिणाम झेले हैं, हम भी झेलते हैं। तो जनता की पुकार है कि महागठबंधन कायम रहे, लेकिन RJD का ही निर्णय होता है अलग जाने का, तो हम भी स्वतंत्र रहेंगे। हाँ, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने बाई इलेक्शन के बाद कहा था कि नुकसान हम दोनों ने झेला है, अब हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे, मिल बांट के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो का दावा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2400 सीटों पर राजद खुद चुनाव लड़े, नहीं माले को सीट दे रहा, नहीं आपको सीट दे रहा गठबंधन में, NDA ने हालांकि सब कुछ कन्फर्म कर दे कितना किसे मिलेगा, तो इस स्थिति में कांग्रेस खुद को कहाँ देखते हैं, और क्या लालू प्रसाद यादव के जुबान की वैल्यू नहीं रही इस चुनाव में, क्योंकि जो स्थिति देखने को मिले लगता नहीं है कि आप गठबंधन में चुनाव लड़ पाएंगे, साथ में अलग ही लड़ना पड़ेगा। एक बात आश्चर्य होता है कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का वह बयान जो तारापुर कुशेश्वर स्थान विधानसभा चुनाव के दुष्परिणाम के बाद आया कि आने वाले समय में हम साथ चुनाव लड़ेंगे, 5-6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, वाम दल भी लड़ेंगे, RJD भी लड़ेगी, और आवश्यकता पड़ी तो चिराग पासवान जी भी आएंगे, तो आखिर नई बात कहाँ से आती है? क्या राजद सुप्रीमो का वो महत्व RJD में नहीं रहा जो पहले था?
एक प्रश्न उठता है, लेकिन आज ये सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव बिहार की जनता को समझते हैं, बिहार की जनता को भावते हैं, हालात को समझते हैं। वो समझे जरूर हैं कि ये महागठबंधन समय का पुकार है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस जब जब चुनाव मैदान में अकेले गई है, दुष्परिणाम दोनों ने झेला है, चाहे 2009 का लोकसभा हो या 2010 का विधानसभा हो, बीच में दो बार महागठबंधन था, उसका परिणाम अच्छा रहा, उपचुनाव में हम अलग गए, फिर दुष्परिणाम में बदल गया। तो महागठबंधन और एकता जनता की पुकार है, लेकिन अलग होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की भी तैयारी 2400 सीट पर बेहतर है और हर सीट पर तीन तीन लोगों का पैनल तैयार है। हमारे साथ राजेश राठौर जो कि मुख्य प्रवक्ता है बिहार कांग्रेस के, साफ तौर पर इन्होंने बता दिया, चाहे महागठबंधन में की राजनीतिक बात हो या फिर एनडीए की बात हो या फिर कुल मिला की बात की जाए, एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हो या फिर छात्रों को जो इंसाफ मिला चाहे उसका मुद्दा, तमाम चीज़ों को लेकर खास तौर पर बातचीत की। तमाम खबरों के लिए बने रहे आप NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।